सब्सक्राइब करें दंगल टीवी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। हम डॉक्टर से भी कह देंगे कि भाई हमको साथ में ही डिस्चार्ज करें। सृष्टि के बिना हम घर नहीं जाने वाले। ठीक है, वह पापा आ जाएंगे ना, उनसे बात कर लेना। पहले नाश्ता कर लो। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक पापा ही हैं जो ये बात अच्छे से समझते हैं कि सृष्टि हमारे लिए क्या है। तेरी की सृष्टि 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 माला ही पकड़ के बैठ गया है उसकी। इसे कुछ याद दिलाने की कोशिश करेगा। अगर इसे कुछ याद नहीं आया तो उस सृष्टि हमारी गली की हड्डी बन जाएगी। पापा को ना तो रहने ही दो। पहले तो ये बताओ, सच्ची तुम्हें कुछ याद नहीं है का? कुछ याद नहीं है मतलब? मतलब तुम्हारी शादी, उसके बाद की नौटंकी, कुछ याद नहीं है का? शादी के बाद नौटंकी? कौन सी? कल्याणी। दीदी आप भी ना, अभी शादी को 4 दिन हुए हैं, हमें जिंदगी जीने दो, थोड़ा आगे बढ़ने दो, फिर कर लेंगे वो नौटंकी जो आप कह रहे। ले आएंगे यश के लिए भाई बहन। पर आप इतनी जल्दी क्या है? यश कहाँ है? वो दिखाई नहीं दे रहा। दिखाई नहीं दिया, साथ में नहीं लाए क्या? अरे रहने दो, अभी यश की याद आ रही है बहुत ना तुम्हें। जब उसको छोड़ के गए थे तभी सोचा नहीं था का? छोड़कर चले गए थे? हम कब छोड़कर चले गए थे यश को? कि क्या कह रही हैं आप? वही कह रहे हैं जो तुम किए हो। और अब कुछ याद ही नहीं इसे। कल्याणी। अरे दीदी क्या आप ये याद नहीं है याद नहीं की रट लगाकर बैठी? साफ साफ कहिए ना बात क्या है। अरे कोई बात नहीं है, जानते नहीं हो क्या अपनी बहन को? हाँ हर बात का बतंगड़ बना देती है। इसको तो ना बस नौटंकी करने का आदत है। तुम कुछ नहीं भूले हो? हाँ लो खाओ गरम गरम। और तू कल्याणी चुप्पे चाप बैठी रह कह रहे। अरे हमारी चुप बैठने से सच्चाई बदल जाएगी का मम्मी? और सच्चाई ये है कि सृष्टि और तुम्हारी शादी टूट चुकी है। अरे अपना भविष्य अच्छे करने के चक्कर में तुमने सारे रिश्तों को ठोकर मार कर लात मार कर चले गए थे, समझे? कुछ याद नहीं है का? बस दीदी बहुत हो गया, हम कुछ बोल नहीं रहे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो कहें बोलती जाएंगी। और ये क्या बकवास कर रही हैं आप? हमारी और सृष्टि की शादी कभी भी नहीं टूट सकती। मौत भी हम दोनों को अलग नहीं कर सकती। कल्याणी देखिए ना पापा, ये दीदी क्या कह रही है? ये कह रही है क्या हमारी और सृष्टि की शादी वो टूट गई है? अब आप ही बताइए ये क्या बोल रही है? कहती है हमें कुछ याद ही नहीं है, हम सब कुछ भूल गए।
आप बताइए पापा, क्या कि ये जो कह रही है वो सच है? बताइए ना, क्या हम सब कुछ भूल गए हैं हम? बेटा ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें तो पता है ना कि तुम्हारी बहन को दूसरों की टांग खींचने में बड़ा मजा आता है, तो बस तुम्हारे साथ भी वो वैसा ही मजाक कर रही है। ये कैसा मजाक हुआ दीदी, पता हालत खराब हो गई हमारी। चल ठीक है, तू शांत हो जा, नाश्ता कर। हमें नहीं खाना नाश्ता। बेटा खाएगा नहीं तो शरीर में ताकत कैसे आएगा? हाँ ले ले थोड़ा सा खा ले, देख हम बना के लाए अपने हाथ से। आज राखी का दिन है, सब मजाक करता है क्या कोई? हम सब इस घर में क्यों आए? मो आप हमें यहाँ क्यों लाई हैं? मॉम, डैड के डेथ के बाद आप यहाँ पर कभी नहीं आई, फिर अचानक से। नहीं बेटा, तुम्हारे पापा के जाने के बाद भी मैं यहाँ आती थी, पर अकेले। जब भी कभी खुद को अकेला महसूस करती थी यहां चली आती थी। फिर धीरे धीरे तुम्हारे और अंगद के प्यार में ये घर कब पीछे छूट गया पता ही नहीं चला, और आज अंगद के जाने के बाद एक बार फिर से मैं खुद को बिल्कुल अकेला महसूस कर रही हूं अपनी जिंदगी में। मेरा उस घर में दिल ही नहीं लगता गौतम, मुझे हर जगह उस घर में वही दिखाई देता है, उसकी बातें उसकी यादें मेरे सामने घूमती रहती हैं। मेरा दम घुटता है वहां, इसलिए मैंने फैसला किया है कि अब मैं यहीं इसी घर में रहूंगी। तुम्हारे पापा की यादों के साथ अपना अकेलापन दूर करूंगी। लेकिन मॉम, यहां इस घर में हम कैसे रहेंगे? तुम दोनों अगर वहां जाकर रहना चाहते हो रह सकते हो,
मैं फोर्स नहीं करूंगी, पर मैं यही रहूंगी। कम ऑन मां, आपने कैसे सोच लिया कि हम आपको छोड़कर यहां से चले जाएंगे? आप जैसा रखना चाहती हैं यहां रखेंगी। हम रहने को तैयार हैं मॉम। गौतम बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम भी यहां आपके साथ रहेंगे। कैसी परीक्षा ले रहे आप? मत कीजिए ऐसा हमारे साथ। हम बेहतरीन बंदे ही हैं, कमजोर पड़ चुके हैं, अभी कोई रास्ता दिखाइए। पापा जी, संभालिए अपने आप को। कैसे संभाले बेटा, क्या क्या संभाले? जब भी लगता है कि जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा है, जिंदगी हमें इस बात का एहसास दिलाई देती है कि वो जिंदगी है, पिता का घर नहीं, जहां कुछ भी मांगने से मिल जाता हो हमें। सार्थक ने जो कुछ भी किया उसके लिए हमने उसे बहुत कोसा, हमेशा चाहते थे सार्थक को उसके किए की सजा मिले, लेकिन लेकिन उसके लिए हमने कभी मरने की दुआ नहीं की। कैसे मांगते आप जो उसके थे, लेकिन सृष्टि को भी तो हमने अपनी बेटी माना है। इतनी मुश्किल से उसे वो जीवन साथी, वो खुशियां मिल रही थी जिसकी वो हकदार है, फिर उसके साथ भी अन्याय होते हुए कैसे देखे हम? कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कहां जाएं, क्या करें, कौन सा फर्ज निभाए, कुछ समझ नहीं आ रहा है। पापा जी, आप हिम्मत मत हारिए पापा जी, सब सही हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाएगा? कुछ भी ठीक होने का रास्ता ऊपर वाले ने कहां छोड़ा है? पापा जी, भले हम कुछ कहें ना कहें, लेकिन ये हम दोनों जानते हैं कि इस वक्त क्या करना जरूरी है। अगर मंजिल तय हो ना पापा, तो भले ही हमें इसी मजबूरी में लंबा रास्ता चुनना पड़े, लेकिन वो पहुंचता उस मंजिल तक ही, इसलिए मैंने डिसाइड कर लिया है कि क्या करना है। क्या तय किया है तुमने बेटा? खुशियां कभी भी जिंदगी से ज्यादा बड़ी नहीं होती। खुशियों का क्या है, जिंदगी रही तो खुश होने के बहुत मौके देखी।
दृष्टि। आज तक मुझे तुम्हारे मुंह से अपना नाम सुन के इतनी खुशी नहीं हुई सृष्टि। आई स्वेयर। मिस्टर जयसवाल, सृष्टि में बहुत ही जल्द इंप्रूवमेंट हुआ है, ये बिल्कुल ठीक है। तो डॉक्टर, हम इसे घर कब ले जा सकते हैं? मैं इनके डिस्चार्ज पेपर रेडी करवा देता हूँ, आप इन्हें आज ही घर ले जाइए। थैंक यू डॉक्टर। सुना, ये सपना कब पूरा होगा? जिंदगी भी कैसे कैसे खेल खेलती है मम्मी। लोग जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, हमें तो पीछे ही पटक दिया। अब अतीत में जाएंगे क्योंकि भविष्य का तो कोनो अता पता ही नहीं है। आज अगर इस सृष्टि मान भी गई तो कल का क्या? अगर सार्थक वो सारी चीजें याद आ गई तो क्या होगा, कभी सोचे हो? अरे होगा क्या, सार्थक को जब सब वो याद आ जाएगा ना तो अपने आप ही हो सृष्टि को छोड़ देगा। और तब तक जो है ना, ये अंगद से भी हमारी इच्छा छूट जाएगा। अरे हमारे लिए तो अच्छा ही है, एक पंथ दो काज हो जाएंगे। जो हम चाहते हैं हमारे मन की ही होगी आखिर में। हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन अगर सार्थक ने सृष्टि को नहीं छोड़ा तो क्या होगा? अरे तुम्हें तो कह रहा था ना उस पार्क में कि उसे सृष्टि से वापिस शादी करनी है, उसका का? अरे हाँ, बात तो तुम एकदम ठीक ही कह रही हो कल्याणी, पर अब कर भी का सकते हैं। सार्थक का जिंदगी के लिए हमको ये समझौता तो करे ही पड़ी ना। अरे और कोई रास्ता भी तो नहीं है ना कल्याणी, क्या करें बताओ? सृष्टि, ये कौन है? क्या? ये कैसा सवाल है सार्थक? तुम इन्हें नहीं पहचानते? नहीं। हमने नहीं पहचाना, तुमने कभी मिलवाया ही नहीं। दोस्त है तुम्हारे? अरे वाह, ये मंगलसूत्र कब बनवाया? बड़ा ही सुंदर है। पापा जी ने बनवाया क्या? वैसे एक बात कहें, बड़ी अच्छी पसंद है पापा जी की, चुनकर बनवाया तुम्हारे लिए। पर ये तुमने पहना क्यों नहीं?
ये देखो हम भी कितने बड़े बुद्धू हैं। अरे ट्रीटमेंट हो रहा होगा तो उतार दिया होगा ना। चलो कोई बात नहीं, हम इसे तुम्हें पहना देते हैं।